नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट सेल पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को अंदाजित वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी की जरूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के जो फंडामेंटल रिपोर्ट है उसको देखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जो कैंडलस्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, जो एक्चुअल जो कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी देखनी जरूरी होती है कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब दी हुई है, जैसे कंपनी का जो मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 1444 करोड़ है और कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम कर रही है, और ये कंपनी की वेबसाइट दी हुई है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा जो है रेलवे, रोड्स, पावर, इंडस्ट्रियल के सेक्टर में काफ़ी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। आज के समय में कंपनी मुख्य रूप से जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका और ये नामीबिया और घाना में उपलब्ध रही हुई है। कंपनी की ऑर्डर बुक को देखिए तो भाई उसमें से कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट को नीचे दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। ऑलरेडी कंपनी प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है, तो यहाँ पे कंपनी जो प्रोडक्ट बुक में से प्रोजेक्ट दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर चुकी है। तो अब ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक जानकारी, अब हम कंपनी की जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर 3 जून 2019 को देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 24 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद हम इस सिचुएशन को देखें 2019 से 2024 को देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 24 रुपये से बढ़ के 242 रुपये तक बढ़ चुकी है, और ये मैक्सिमम गई है 259 रुपये तक। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में 24 रुपये से लेके 249 रुपये तक का सफ़र तय किया है, यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 916% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के द्वारा 554 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 1170 करोड़ की बनती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 594 से बढ़ के 814 करोड़ हो चुका है, और नेट इनकम जो है 11 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है, और कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं हर साल, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि भाई कंपनी की संपत्ति में क्या बदलाव हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपनी संपत्ति यानी जो एसेट्स है उसमें लगातार गिरावट कर रही हो। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के पास 700 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 781 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। तो कंपनी की संपत्ति में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, पर लगभग जो है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही भी है? नहीं। तो दोस्तों, अगर डिविडेंड की रिपोर्ट्स को देखें तो भाई कंपनी ने 2024 में 2 बार डिविडेंड दिया था, 2023 में भी 3 बार डिविडेंड दिया, ठीक है। यहाँ पे देखा जा सकता है, और यहाँ पे दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार थोड़ा ही सही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए तो अच्छा संकेत है ही, प्लस कंपनी ग्रोथ के लिए भी अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि कोई कंपनी अगर लगातार साल में 2-3 बार डिविडेंड दे रही है तो भी ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत होता है। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 75% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से 51% की होल्डिंग कंपनी ने बैंक में गिरवी रख दी है। बदले में हो सकता है कंपनी ने कुछ फंड्स लिया हो, ठीक है, मतलब कंपनी ने गिरवी रख दी है 51% की होल्डिंग, और बाकी की जो 24% की होल्डिंग है वो कंपनी के पास रही हुई है, जो कि इसमें एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने 75 में से वही 51% की होल्डिंग तो बैंक में गिरवी रख दी है, ठीक है। तो इसको हम एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे। अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो भाई इसमें 2.78% एक अच्छा संकेत है, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 1.74% की होल्डिंग है एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें लगभग ना के बराबर रहे हुए एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 43% है, 73, तो ये भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो उसको हम एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे, जिसका कारण है कि भाई एक तो कंपनी ने अपने शेयर को बैंक में गिरवी रख दिया ज़्यादा मात्रा में, और प्लस इसमें जो है भारत के बड़े इन्वेस्टर हो गए, विदेशी इन्वेस्टर हो गए, और म्यूचुअल फंड काफ़ी कम मात्रा में रहे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक माइनस पॉइंट देंगे। तो अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिला, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला,
जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।